रास्ता है, बात करनी है आपसे। हाँ मैं सुन रहा हूँ। वो कल किरण की कॉल आई थी, वो चाहती है मैं फुल टाइम पकवान पे बैठूं। हाँ तो ठीक कह रही है। माँ जानती हो मेरा पकवान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और जब अब्बा पकवान किरण को देकर गए तो फिर नहीं। तो क्या कह रहे हो कि बहन बैठेगी पकवान पे, अच्छा लगेगा? अरे शाहजैन देखेगा ना। वैसे भी मेरे बस की बात नहीं है ये। वो तो कल किरण जिद कर रही थी, मैंने सिर्फ इसलिए। खबरदार, पकवान तो क्या एक बर्तन भी शाहजैन के हवाले नहीं करना। अरे उसको एक कुर्सी दोगे वो पूरा सोफा उठा के ले जाएगा। और नहीं तो क्या, याद नहीं तुझे कैसा मुंह फाड़ फाड़ के जहेज मांगा था उन्होंने हमसे? अरे सबके बावजूद ये शादी आप लोगों की खुशी से हुई थी, राइट? अब ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? कुछ हुआ है क्या उमा? कुछ हुआ है? जो जो तू बता। पता नहीं, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। अरे कुछ नहीं हुआ, बस हमें वो पसंद नहीं है। किरण भी मुझसे कुछ छुपा रही थी। अम्मा अगर कोई बात है तो बताओ। वो लड़का तंग कर रहे उसे, फिर दोबारा चीजें तो नहीं मांग रहा? अरे कोई बात है तो बताएं, मैं अभी जाके इसका दिमाग ठीक करता हूँ। कुछ नहीं हुआ है साहब, वो अपने घर की हो गई है ना, 100 उसकी जिम्मेदारी है सर पे, और तुम हो ना इस घर के बेटे, तो घर के बेटे के होते हुए कोई और क्यों कारोबार चला है भाई? अब तो हमारा सोच लो। ऐसी क्या खुदगर्जी, देख रहे हो ना। हाँ, हमें सबको बहुत जरूरत है तुम्हारी। तो फिर फैसला हो गया, फिर याकूब करीम बख्श का पकवान अब उनके बेटे संभालेंगे, हैं? तो क्या करता है? अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम चन्नो आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कोरमा पकाया सी, सोचा तेरे नाल बैठ के ना खा ले। बहुत अच्छा किया आपने, दीजिए मुझे। आइए आइए प्लीज आइए, मेरा वैसे ही दिल नहीं कर रहा था घर पे पकाने का। आए। अच्छा आप लोग बैठे, मैं प्लेट्स लेकर आऊं। खाना खाने का दिल नहीं कर रहा शी, बिल्कुल वसलत है। परेशान ना करिए। ये लीजिए। बैठो बैठो। जी जी बैठे। तुम्हारी चन्नो आंटी ने हमेशा की तरह दो दो प्लेटें अपने आगे रखी, एक हमें भी दो ना भाई। नीचे ना, तू परेशान है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ऐसे चुप चुप तुम हमें अच्छी नहीं लगती हो। क्या करूं आगा अंकल, सारा सारा दिन यहाँ अकेली बैठी रहती हूँ, ओवरथिंक करती हूँ, फिर परेशान हो जाती हूँ। होता है ऐसा भी होता है। एक बात बताऊं, ये जुदाई का भी ना अपना एक मजा है, अगर कभी मौका मिल जाए तो। क्या मतलब? मतलब ये कि बेटा आज से बहुत साल पहले की बात है कि मेरी वालदा ने मुझे पेशावर वापस बुला लिया, वैसे किसी काम से। उस जमाने में कोई ये मोबाइल फोन इंटरनेट तो होता नहीं था, कभी कभी हमारी बात होती थी, कभी नहीं होती थी। वहाँ मुझे किसी वजह से दिन ज्यादा लग गए पेशावर में। तुम्हारी चन्नो आंटी ने समझा कि मेरी अम्मी ने मुझे बांध लिया उधर। समझा, सिर्फ समझा ही नहीं, माँ दी पूरी कोशिश थी कि दोबारा ब्याह कर ले उधर। तो किया तो नहीं ना। हम तेरे आशिक मिजाज बंदे, हम भूख हड़ताल पे चले गए, माँ के हाथ की रोटी भी नहीं खाई। साफ साफ मैंने अपनी वालदा मोहतरमा को कह दिया कि जिएंगे तो चन्नों के साथ और मरेंगे तो चन्नों की बाहों। फैन, कहने का मतलब है कि परेशान न हो, फराद वापस आ जाए। किथे जाए? इधर ही आप। थैंक यू, आप लोग आ गए। आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिक्र मत कर, हमेशा तेरे साथ, ठीक है ना? थैंक यू। आप प्लीज शुरू करें ना। कोरमा कोरमा। मुझे आप ही का इंतजार था। अच्छा हुआ कि आप आ गए। अब आकर ये आपको भाई की जगह संभाले। सब कुछ वैसा ही है जैसे वो छोड़ के गए। लेग पीस तो डलवा दे इसमें भाई, ऐसे कैसे खाऊं? अबे कस्टमर का ऑर्डर है, शर्म कर ले। बिरयानी का समंदर है तेरे पास। दो मछलियां मेरी प्लेट में गिर गई तो क्या फर्क पड़ता है? डाल दे भाई, डाल दे इसे बोटियां। जल्दी आ भाई। मोटी वाली डालियो। किस्मत भी क्या चीज है यार, सारी जिंदगी जिस काम से भागा हूं आज वहीं लाके बैठा दिया। भाई हो सकता है इतने तेरी भलाई हो, और तकदीर के फैसले कभी कभी कबूल कर लेने चाहिए। मेरी तकदीर में सिर्फ बिरयानी और कोरमे ही लिखे हैं यार। ऐसा नहीं है, रायता भी तो है यार। भाई तू कहता था ना चाचा तुम्हारी बात ही नहीं सुनते, और मैं इस जगह की तुम्हें उलिया ही बदल दूंगा। तो फिर बदलना, ये मौका है। चला ये अपना बिजनेस वाला दिमाग, अपने तरीके से चला इसको। नहीं यार, सब मेरा नहीं है। सबको सारी जिंदगी अब्बा ने मुझ पर भरोसा नहीं किया, और उनके बाद भी वो ये नहीं चाहते थे कि मेरा साया यहाँ पे पड़े। ये तो सिर्फ अम्मा और किरण की जिद है, वरना मैं नेगेटिव क्यों सोचता है यार? इसको ऐसा मौका समझ, आई अब करके दिखाना वो तो कर सकता है। अच्छा सुन, मैंने आज शाम में घर जाना है, तुम पीछे सब संभाल लेना। ओके? अरे मैं संभाल लूंगा, टेंशन नहीं है। हाँ तुमने बताया नहीं कि तुम आ रहे हो। देखने का दिल कर रहा था। तुम हमेशा कहते थे कि मुझे देख के तुम्हें सुकून मिलता है, तुम्हारी थकन दूर होती है। क्या अब भी ऐसा ही है? आखिरी बात तक क्यों फिर गया? सारी जिंदगी की नाराजगियों के बोझ नहीं वो तक आती है मुझे। हम बाप बेटे में हमेशा नाराजगी का रिश्ता गिरा है। उन्हें मुझसे और मुझे उनसे हमेशा शिकायत ही रही है। हम जब वो चले गए फ्रिया तो समझ नहीं आ रहा कैसा फील करूं। दुख भी है, सा भी है और कहीं ना कहीं गिल्ट भी है। ऐसा लगता है तूफान गुजर गया, हर तरफ खामोशी खामोशी। फरहाद, आपने उसे जुदाई तकलीफ देती है, लेकिन इस दुनिया से जाने वालों पर हम सब्र ही कर सकते हैं ना। तब हमें भगवान किरण के नाम कर दिया और किरण चाहती है कि मैं भगवान को संभालूं। तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? देखो फरहाद, मैं जानती हूं कि तुम कुछ और करना चाहते थे, लेकिन क्या पता कि इसी पकवान से तुम्हें तुम्हारी सारी उलझनों का जवाब मिल जाए। मैं बहुत थक गया फ्रिया, मैं फिर से लेटने जा रहा हूं। हेलो फरहाद बेटा, किधर हो तुम? तुम्हें पता है मैं नहीं सो पाती, अल्लाह के वास्ते जल्दी घर आओ। आंटी अस्सलाम वालेकुम, प्रिया बात कर रही हूँ। तुम क्या कर रही हो मेरे बेटे के फोन के साथ? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें एहसास है तुम अपने वालिदैन को कितनी अज़ियत दे रही हो? तुम चले क्यों नहीं जाती वापस? मेरे बेटे को वापस भेजो। तुम्हारी कोई शादी नहीं हुई उसके साथ, समझ आई तुम्हें? मैं ऐसी शादी कबूल ही नहीं करती जो रात के अंधेरे में छुप छुपा के घर से भाग के हुए। तुम्हें क्या लगता है शादी कोई मजाक है, गुटा गुटी की खेल है? खानदानों की शादी होती है, नहीं कबूल। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अपनी बहू बनाकर अपने घर लाऊंगी? हमारी जिंदगी तबाह कर दी, मेरा शौहर चला गया, तुमने मारा है उसे। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाऊंगी। अल्लाह के वास्ते मेरे बेटे को वापस भेजो, घर चली जाओ, मत लो माँ की बद्दुआ। आंटिया फ्रिया, कौन आई थी? किसी की? तुम्हारी अम्मी की। तुमने उठाई तो नहीं? फरहाद, तुमने क्या कहा है उन्हें? वो हैरान क्यों थी कि तुम यहाँ हो? क्या उन्हें लगता है कि हम दोनों अलग हो गए? नहीं फ्रिया, अम्मा चाहती है मैं मुस्तकिल आके उनके साथ रहूं, बस उन्हें बहला रहा हूं अभी। मेरे बगैर? तुम्हारी अम्मा ने भी तो कहा था कि तुम वापस आ सकती हो, लेकिन मेरे बगैर। हाँ तो मैंने तो अपनी मामा को साफ मना कर दिया ना कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रहूंगी। तुम भी कह दो कि तुम जहां भी रहोगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। या तुम्हारे और मेरे घर की सिचुएशन में फर्क है। अब्बा का भी अभी इंतकाल हुआ है, अम्मा सदमे में है यार, ऊपर से वो डिप्रेशन की मरीज है। मैं अभी उन्हें मजीद परेशान नहीं कर सकता। तो तुम इसी तरीके से उन्हें बहलाते रहोगे और मैं यहाँ तुम्हारी सीक्रेट बीवी बनकर रहूंगी। तुम्हारा जब दिल करेगा तुम यहाँ आओगे, वरना तुम वही रहोगे। पर हाँ, तुम्हें अंदाजा भी है मेरे लिए यहाँ अकेले रहना कितना मुश्किल है। क्यों रह रही हो केनी? तुमसे मैंने कहा भी, अपनी पुप्पू की तरफ जाकर रह लो थोड़ी देर। फरहाद, वो मेरा घर नहीं है। मैं वहाँ एक दो दिन मेहमान बनकर तो रह सकती हूँ, लेकिन हमेशा के लिए नहीं रह सकती। मेरा घर ये है, तुम्हारे साथ। यार, हम मियाँ बीवी हैं, हमें मिलकर हर सिचुएशन को हैंडल करना है ना। शिव, तुम मेरे मसले में सारी समझ, और मैं भी ये बातें डिस्कस नहीं करना चाहता, प्लीज। तुम्हारा मसला पता है क्या है? तुम हर सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करते हो। मैं अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ? कुछ खुदा का खौफ करो फ्रिया। अरे वो फैमिली है मेरी, उधर के मसले मसाइल मैंने हैंडल करने हैं ना, और उनका एक मसला तुम हो। तो इस मसले का कोई हल नहीं भाई? तुम्हारे पास है तो मुझे बता दो, क्योंकि मैं सोच सोच के खत्म हो गया हूँ अब। खुद सोचो, अगर तुम्हारे पापा की डेथ हुई होती तो तुम क्या करती इस सिचुएशन में? प्रिया, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अभी मैं तुम्हें बाहर नहीं देकर जा सकता। इस बात को प्लीज समझो।